Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हाँ स्टूडेंट, देखें हमें जो ऑपरेटिंग सेकंड करना है, मैंने बताया आपको बड़ा क्लियरली, यहाँ वन, ये जीरो, ये जीरो, फिर जीरो वन, फिर इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, फिर इसको वन। तो आप इस सिस्टम को पकड़ कर रखेंगे तो आसानी से कर लेंगे, आगे पीछे भागेंगे, उलझ के रह जाएंगे, कन्फ्यूज होकर छोड़ देंगे, गिवअप कर देंगे, नहीं होगा। सिस्टम को पकड़ेंगे आप कैसे जीरो करना है, बाय हुक एंड क्रूक, ये देखना है आपको। तो अब देखो मैं बता रहा हूँ ध्यान से, मुझे इसे जीरो लाना है, इसका मतलब माइनस टू में जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, प्लस टू। तो इसका मतलब किसी रो को और हेल्प लें और रिजल्ट प्लस टू आ जाए और ऐड कर दें तो जीरो आ जाएगा। तो जब दूसरे, यहाँ तो माइनस टू है, तब हम इसे ऊपर वाली रो टू का हेल्प कर लेते हैं, तो रो थ्री लिखेंगे, तो यानी कि रो थ्री एज इट इज़ आ गया। प्लस टू लाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा बताइए ज़रा ध्यान से, क्या करना पड़ेगा हमें, रो टू को क्या करें कि टू आ जाए। अब यहाँ फाइव है तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा टू अपॉन फाइव से मल्टीप्लाई। तो ज़रा देखो रो थ्री क्या है, माइनस टू, टू अपॉन फाइव इंटू रो टू में एलिमेंट क्या है, फाइव, फाइव फाइव कट गया तो माइनस टू प्लस टू जीरो नहीं हो गया। तो मुझे इसे टू लाना है, तो आपको पता है अगर फाइव है मुझे टू लाना है, तो स्टूडेंट यहाँ टू लिख दो, फाइव को हटाना, नीचे फाइव कर दो, कट नहीं गया भाई। टू लाना है तो यहाँ पर हम कहते हैं हमें सेवन लाना होता, तो मैं सेवन लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको हटाना है तो नीचे कर दो। मानो यहाँ सिक्स होता, अब मैं कहूँ टू लाओ, टू लाओ, तो मैं टू कर दूंगा, सिक्स है नीचे, सिक्स कर दो, कट कर टू आ जाएगा। तो ये आपको देखना है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं देखो कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने क्या फार्मूला बनाया ऑपरेटिंग में, रो थ्री, तो रो थ्री प्लस ये फाइव है, टू लाना है तो हम टू और करेंगे, नीचे फाइव कर देंगे तो कट जाएगा रो टू। अब देखो ऑपरेट कर रहे हैं, रो थ्री तो फर्स्ट टू एज इट इज़ है, वन टू माइनस टू जीरो, फाइव माइनस टू, और इधर आ जाएगा वन जीरो ज़ीरो, वन वन ज़ीरो। अब हम अप्लाई करेंगे थ्री को, तो थ्री में तो ज़ीरो जीरो जीरो होगा। अब देखो यहाँ कर रहे हैं रो थ्री क्या है, माइनस टू, प्लस इसे क्या है तो फाइव इंटू टू बाई फाइव, कट कर क्या हुआ जीरो। इसके बाद हमने इसको अप्लाई किया तो रो थ्री क्या हुआ वन, उसके बाद क्या है प्लस ये टू बाई फाइव इंटू रो टू माइनस टू है, क्या बन जाएगा माइनस फोर बाई फाइव। एलसीएम लेंगे फाइव माइनस फोर बाई फाइव, वन बाई फाइव, तो स्टूडेंट ये रिजल्ट आ गया वन बाई फाइव। अब इसके बाद देखेंगे क्या कर रहे हैं हम ऑपरेट, इसमें करेंगे यानी ये रो थ्री जीरो है प्लस टू बाई फाइव इंटू वन, तो बन जाएगा टू बाई फाइव। इसके बाद है जीरो, जीरो प्लस ये भी टू बाई फाइव, और ये वन है तो वन प्लस, और ये जीरो टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई होगा, जीरो इंटू टू बाई फाइव, तो ये जीरो हो गया, वन आ गया, वन आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं मुझे इसे लाना है वन, अब बताएं स्टूडेंट अब क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको पता है मुझे इसे वन बनाना है, वन बाई फाइव को वन बनाना है, कैसे बनाएंगे, अरे कौन सा रो है थ्री, तो रो थ्री को फाइव से मल्टीप्लाई करो, देखो वन बन गया, नहीं तो मैं फाइव से मल्टीप्लाई करूँगा, तो सभी में करूँगा। अब यहाँ नहीं कि एक रो को कर दो दूसरे नहीं, पैरेलल करना है सभी में। तो अब देखो रो थ्री ऑपरेट करेंगे हम, क्या ऑपरेट कर रहे हैं, थर्ड ऑपरेटिंग रो थ्री, तो रो थ्री फाइव इंटू रो थ्री, ये प्रॉपर्टी आ गई, तो वन टू माइनस टू जीरो, फाइव माइनस टू, ये रिजल्ट आ गया वन जीरो ज़ीरो, वन वन ज़ीरो। अब ज़रा इसको फाइव से मल्टीप्लाई करो तो ज़ीरो ज़ीरो, फाइव से मल्टीप्लाई किया वन, यहाँ फाइव से किया कट कर, क्या आ गया टू, ये भी टू और ये फाइव और इंटू ए। अब देखते हैं स्टूडेंट हम ऊपर से नीचे चलते हुए आइडेंटिटी बना लिया, अब इसको अब इधर साइड से जाना है,
टू को जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो, फिर बाद में इसे वन। तो देखो अब इसको जीरो लाना है, तो ज़रा बता दें क्या करेंगे बेटा। रो ऑपरेट जो कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग रो वन इक्वल टू रो वन, रो वन तो टू है। अब टू को जीरो करना है तो हेल्प किसकी ले लेंगे, सेकंड रो की। अब सेकंड रो में माइनस टू आएगा बेटा, तभी तो जीरो बनेगा ना। अब माइनस टू कैसे आएगा, अब देखो हमें क्या लाना है, माइनस टू। तो क्या करेंगे, माइनस टू इंटू वन अपॉन फाइव, फाइव को घटाना है ना इसको, तो वन अपॉन फाइव कर दिया। तो ये देखो हमारे पास जब ये फाइव यहाँ रखेंगे कट कर, माइनस टू आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या काम करना है, रो वन प्लस क्या होगा, माइनस टू अपॉन फाइव इंटू रो टू, ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। तो ज़रा देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, सेकेंड एज इट इज रखो जीरो फाइव माइनस टू जीरो जीरो वन, और दूसरी साइड में आ गया वन वन जीरो टू टू फाइव और इंटू स्टूडेंट वन। अब देखते हैं हम कर रहे हैं रो फर्स्ट में वन, अब इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वन आएगा। ये टू है हमारे पास, टू और प्लस फाइव इंटू माइनस टू बाई फाइव, कट करके आ गया जीरो। उसके बाद फिर देखो यहाँ आ रहे हैं थर्ड पे, तो रो वन में क्या है, माइनस टू प्लस माइनस टू बाई फाइव इंटू रो टू, रो टू क्या है, माइनस टू। ये बन जाएगा माइनस टू प्लस फोर बाई फाइव, फाइव टू या टेन, टेन माइनस टेन प्लस फोर माइनस सिक्स अपॉन फाइव। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, माइनस सिक्स अपॉन फाइव। तो जिसको ना समझ आया दोबारा एक बार चेक कर लें। देखो रो वन क्या है हमारे पास, इस एलिमेंट को ला रहे हैं माइनस टू प्लस ये माइनस टू बाई फाइव इंटू रो टू, रो टू का एलिमेंट क्या है, माइनस टू, माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन फाइव, फाइव टू जो टेन माइनस टेन प्लस फोर अपॉन फाइव, तो माइनस सिक्स अपॉन फाइव। तो स्टूडेंट देखें माइनस सिक्स अपॉन फाइव हमने यहाँ लिख दिया। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, ये वन है, वन माइनस टू बाई फाइव, ऐड करेंगे फाइव में से टू गए थ्री अपॉन फाइव। अब नेक्स्ट में आएंगे तो ये हमारे पास रो वन जीरो है, जीरो माइनस टू अपॉन फाइव, ये आ गया माइनस टू अपॉन फाइव। फिर नेक्स्ट में तो जीरो है ही, जीरो आ गया। अब देखते हैं स्टूडेंट क्या हुआ, अब देखते हैं हमारे पास इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करना है माइनस सिक्स बाई फाइव। तो थर्ड रो की हेल्प लें, देखें ये वन है तो इसको सिक्स बाई फाइव से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करो जीरो। तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, ऑपरेटिंग रो वन इक्वल टू रो वन प्लस फाइव सिक्स अपॉन फाइव इन टू रो थ्री। ये देखो माइनस सिक्स बाई फाइव था हमारे पास, तो यहाँ पर भी सिक्स बाई फाइव प्लस का हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे माइनस सिक्स बाई फाइव और प्लस सिक्स फाइव बाई क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखो क्या कर रहे हैं हम, ऑपरेटिंग थ्री था ये फोर था, ऑपरेटिंग फाइव है। तो हमारे पास रो वन लाना है, तो रो वन को छोड़ दो, बाकी लिखो रिजल्ट, जीरो फाइव माइनस टू जीरो ज़ीरो वन, और स्टूडेंट इधर साइड में आ गया वन वन जीरो टू टू फाइव इंटू ए। अब देखते हैं हम रो वन में ले रहे हैं, तो रो वन में वन इंटू जो भी करेंगे वन आ जाएगा, ये भी जीरो 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 आ जाएगा। माइनस सिक्स बाई फाइव, सिक्स बाई फाइव से देखें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस कर दिया, ये भी जीरो आ गया स्टूडेंट। अब इसमें क्या किया हमने, रो वन में क्या है थ्री बाई फाइव और प्लस सिक्स बाई फाइव इंटू रो थ्री, रो थ्री तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रो थ्री में क्या है टू इंटू टू, तो क्या बन जाएगा सिक्स टू द ट्वेल्व, ट्वेल्व और थ्री फिफ्टीन, फिफ्टीन अपॉन फाइव रिजल्ट थ्री, यहाँ थ्री आ गया। फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पे रो वन में क्या है, माइनस टू बाई फाइव प्लस सिक्स इंटू फाइव इंटू टू, तो ट्वेल्व हो गया, ट्वेल्व में से टू गए टेन बाई फाइव रिजल्ट टू। फिर देखें स्टूडेंट नेक्स्ट रो वन, तो रो वन क्या हुआ हमारे पास जीरो प्लस सिक्स इंटू फाइव ऑफ रो थ्री, रो थ्री क्या है फाइव, फाइव फाइव कट कर सिक्स आ गया,
सिक्स आ गया। देखिए ये सॉल्व हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं, अब इस माइनस टू को फिर आ रहे हैं नीचे जीरो, तो स्टूडेंट क्या करेंगे, थर्ड को टू से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो जीरो, तो हमारे पास सिक्स ऑपरेटिंग क्या हो गया। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में ये एक करके अगले अगले स्टेप पता चल, आप चाहो कि लास्ट स्टेप में क्या आएगा नहीं बता सकते। जैसे जैसे देखते हैं आप, फॉग होता है ना, फॉगी जनवरी के महीने में फॉग जब हो जाता है तो आपको 10 मीटर के बाद दिखाई नहीं देता, तो आप घर से निकलते नहीं निकलते हैं, और 10 मीटर जब आगे जाएंगे तो अगला 10 मीटर दिखेगा, फिर अगला 10 मीटर आगे जाएंगे तो अगला 10 मीटर दिखेगा। ऐसे ही ये फॉग की तरह क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ही एक स्टेप निकाला अगला पता लग जाएगा क्या है। अब देखो यहाँ नहीं पता लग रहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेकिन अब ये करते ही पता लग रहा है इसे जीरो लाना है, तो जीरो लाना है तो ऑपरेटिंग क्या हुआ स्टूडेंट, रो टू प्लस टू इंटू रो थ्री। तो देखिए हमारे पास 100001 एज इट इज़, यहाँ पे 326 225 ए मैट्रिक्स। अब यहाँ ले रहे हैं हम रो टू को, रो टू क्या है जीरो, और ये जीरो ही आ गया, ये फाइव का फाइव आ जाएगा, इसमें इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ देखते हैं ये टू है, इसको टू से मल्टीप्लाई करो फोर वन फाइव, इसको टू से करो फोर वन फाइव, और ये जीरो है इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो टेन। आप स्टूडेंट देखें क्या कर सकते हैं, आई थिंक यू नो ईच एंड एवरी थिंग वट टू डू द वेरी नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ केवल फाइव है, इसे हमें आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग वन बनाना है, तो वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट। यानी अब सेवन्थ ऑपरेटिंग कर रहे हैं हम, सेवन्थ ऑपरेटिंग वो क्या है, रो टू वन अपॉन फाइव रो टू। तो देखो स्टूडेंट 100010 और यहाँ पे 001 आइडेंटिटी आ गया है, यहाँ भी 326 5 वन बाई फाइव से मल्टीप्लाई कर दें 1 1 2 2 2 5, और स्टूडेंट ये है ए, ये आइडेंटिटी आ गया है, ये ए था तो यहाँ पे ए इनवर्स नहीं हो गया, देयर फोर स्टूडेंट ए इनवर्स क्या है हमारे पास 326 1 1 2 2 2 5, ये आंसर आ गया स्टूडेंट। इसे बोलते हैं इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। तो देखो स्टूडेंट मुझे इस समय 40 से 45 मिनट का टाइम लगा, एग्जैक्टली 45 मिनट कर सकते हो, और बोर्ड के हिसाब से देखें तो वही 42। अब मुझे 42 से 45 के बीच में क्यों टाइम लगा, क्योंकि मैं आपको समझा भी रहा हूँ, जो चीज़ मैं एक मिनट में करता हूँ तो समझाने में 4 या 5 मिनट भी लगते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना है तो मुश्किल से 5 या 6 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट के लिए टाइम कितना है 30 मिनट्स, बोर्ड में कितना टाइम मिलेगा आपको 40 से 42 मिनट। अब उसमें क्वेश्चन भी पढ़ना है तो और समझना है लिखना है तो करने के लिए टाइम कितना हुआ 30 मिनट्स। तो आपने प्लान करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है 1.5 मिनट, दो नंबर का क्वेश्चन है 3 मिनट, चार नंबर का क्वेश्चन है तो 6 मिनट, और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 मिनट में यू हैव टू डू। प्लानिंग के साथ करना है तो आपको तो मैंने समझाया है, अब इसको आप 10 के 10 क्वेश्चन देखें आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेल्फ एवलुएशन टेस्ट 1 दिया है, अब 2 और 3 भी दूंगा, और उसको खुद करेंगे सेल्फ, और उसके बाद आंसर मिलाएंगे। आंसर मिलाने के बाद, और जिन क्वेश्चन ने वीडियो स्टूडेंट ने वीडियो पॉज किया है स्टूडेंट, वो अब वीडियो खोल करके एक एक करके सारे सोल्यूशन को मिलाएं, अपने आप मार्क दें, देखें 20 में से 20 मिल रहे हैं नहीं। आपको तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए जब तक आपके 100% नहीं आए। मेरा यही एम है स्टूडेंट, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लासेस देख रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं, घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो एक तो आपको रिलैक्स है, इस कोविड-19 में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठकर के आराम से पढ़ाई करें और बहुत अच्छी पढ़ाई करें। आने वाले टाइम में मैंने कहा मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम एक एक करके सॉल्व करूंगा, तो आप इसको वीडियो देखें, उनको करें। आगे जो 2 टेस्ट हैं, वो जो 2 और 3 दे रहा हूँ, उनको भी आप बैठ करके टाइम के अकॉर्डिंग, जब आपके पास टाइम है उसको करो, और उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जिसमें आपको उसके आंसर्स मिलेंगे और चेक करेंगे और सोल्यूशन भी मिलेगा, और मिला करके देखेंगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपके 100% क्वेश्चन स्टूडेंट ठीक होंगे, और यू विल अचीव 100 मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। तो आपको स्टूडेंट मैं फिर से बता रहा हूँ, बिलीव सिस्टम, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक लेक्चर दूंगा, मोटिवेशनल लेक्चर स्टूडेंट,
कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है। जब आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो सब कुछ हो जाता है, और विश्वास नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। बहुत मोटिवेशनल लेक्चर है, आप मोटिवेट होंगे, और आपको बताऊंगा कि ग्राउंड पर एक इंसान कैसे टॉप पर पहुंच जाता है अगर बिलीफ सिस्टम वो फॉलो करता है, और नहीं फॉलो करता है तो टॉप से वो नीचे बॉटम में आ जाता है। तो स्टूडेंट आपने बिलीव करना है, इसकी जो एक वीडियो मैं डालूंगा लेक्चर मोटिवेशनल, आप इसके बाद दो और पेपर हैं उसको करिए, आंसर मिलाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो दीजिए देखो, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छा काम होता है। सोसाइटी में कहते हैं जानवर और इंसान में फ़र्क क्या होता है, इंसान वो होता है जो दूसरों के काम आता है, और जानवर होता है जो अपने ही काम आता है। खुद खाना है और किसी को पता नहीं, भूख लगी तो खुद खाएगा, परिवार को भी छोड़ देता है, बचता है तो परिवार के पास ले जाता है। लेकिन इंसान क्या होता है, अपने सिवा दूसरों की मदद करता है और दूसरों की मदद करता है। तो ये जानते हैं COVID-19 में ऐसा कोई पर्सन नहीं हो, चाहे अमीर हो गरीब हो किसी तरह का हो, सभी को डेंट पड़ा है, सभी को क्रंच आया है, सभी की इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है बहुत डाउन हो गई है, कई लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए नहीं है, कोचिंग की फ़ीस कहाँ से देंगे स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ कि बहुत अच्छा कि इस समय एक हेल्प आपको हो, आप घर पे बैठकर पढ़ें, अपने फ्रेंड्स को वीडियो सेंड करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जितने वीडियो आपको और हैं वो मिलते जाएं, और घर बैठकर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। थैंक यू स्टूडेंट।